क्या है थीम इस गाने का और वर्डिंग क्या है इस गाने के? वर्डिंग्स आप लोगों के ऊपर है, मीडिया और रिपोर्टर्स के लिए गाना है, डेडिकेटेड सावन कुमार जी ने जो किया है इस साल. बहुत खूबसूरत सा गीत है, अगेन एन आइटम नंबर है, मूवी के लिए है, प्रमोशनल सॉन्ग है. आई थिंक लोग बहुत लाइक करने वाले बिकॉज द बीट्स आर रियली हैपनिंग. जो लोग क्या कहना चाहिए, धतिंग नाच जो करते हैं, आई थिंक वो बीट्स हैं, तो लोग इंजॉय ही करने वाले हैं गाने को. मंजू जी, आपसे पूछना चाहूँगा, ममता शर्मा को कौन नहीं जानता, इंडस्ट्री की सबसे नामी गामी मतलब सिंगर में से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी फिल्म में गाना गा रही हैं, कितनी खुशी मिल रही है आपको? होपफुली बहुत अच्छा लग रहा है और सुपर डुपर हिट होगा ये सॉन्ग. हम लोगों को इतनी उम्मीद है कि, क्योंकि ममता जी के गाने बहुत अच्छे ट्रेंड पे चलते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, तो इसीलिए हमने ममता जी का चूज भी किया था इसके लिए. तो आई फील कि लोगों को पसंद आएगा और मीडिया से रिलेटेड है तो मीडिया इसको अच्छा कवर करेगी. मैं सच बताऊं तो मैं इस फिल्म में ममता जी का गाना गाया है ना, तो मेरी कमी जो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी थी, तो वो पूरी हो गई है ममता जी ने इस फिल्म में जो गाना गाया है. क्योंकि पहली फिल्म मेरी काश तुम होते जो रिलीज़ हुई है, उसमें मैं चाहता था कि ममता जी गाना गाएं, पर मैं एक अधूरापन था. बट इस फिल्म में मोहल्ला मोहब्बत वाले में जो ममता जी ने जो गाना गाया है ना, तो मेरी कमी पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ कि ममता जी ने जो जिस अंदाज में जो गाया है ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरा इस साल का सबसे हिट सॉन्ग हो ममता जी का. और आपको सबको मालूम है कि ममता जी का ऐसा कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो हिट ना हो, सुपर डुपर हिट है. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे ममता जी को भी मतलब ऐसा मेरे गाने को लेके कुछ कहिए कि सुपर डुपर हिट हो जाए ये गाना.